सितंबर एक्सेशन डे है हमारा जूनागढ़ का। दिन था जब हमारे परदादा हुजूर लाले कायदे आजम के बीच में जो है एक मुआहदा था जी, और बानी कायद रहमतुल्ला, और जूनागढ़ लीगली जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना था। रियासत थी और एक 21 गन सैल्यूट प्रीमियम वेलफेयर स्टेट जिसमें हमारे परदादा हजूर की तरफ से तमाम फैसिलिटीज़ जूनागढ़ की आवाम को मिला करती थी और फराहम थी। ये 3,500 स्क्वायर माइल की रियासत थी जिसमें 16 बंदरगाहें भी लगती थी। 1947 पार्टीशन एरा के बाद जब हमारे दादा हजूर ने जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ एलान किया तो 15 सितंबर को जो आज का दिन है ये एक्सेशन डे इसीलिए हम लोग सब मनाते हैं, और 25 अक्टूबर को हमारे परदादा हजूर लेट हिज हाइनेस नवाब मोहब्बत खान जी कराची तशरीफ़ फरमा हुए, और 9 नवंबर को हिंदुस्तान ने इलीगली और अनजस्टिफाइबली हमारी रियासत जूनागढ़ पर फौज कशी करी। तो आज के दिन मैं तमाम ग्लोबल पावर्स और यूनाइटेड नेशंस की भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हम लोग जूनागढ़ के इशू को लेके चल रहे हैं, और हिंदुस्तान को भी आज हम ये बताएंगे कि जूनागढ़ कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और जूनागढ़ कल भी पाकिस्तान है इंशाअल्लाह।